नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने की एक बार फिर केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है। किसी भी अभिभावक को ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को यूक्रेन में फंसे हुए लोगों और उनके परिवार के साथ तत्काल निकासी योजना शेयर करना चाहिए। हम आपको नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन में भी जलवा है, इसकी बानगी संभल में देखने को मिली है। जहां भारत सरकार यूक्रेन में फंसे जिन छात्रों को वापस लाई है उनमें चार संभल के हैं, वहीं छात्रों और उनके परिजनों ने भारत सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि यूक्रेन में और रूस की जंग के बीच संभल के 13 छात्र फंस गए, जिन्हें लेकर परिजन जहाँ चिंतित थे तो वहीं छात्र भी परेशान थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को वापस भारत लाने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत एक जत्थे को भारत सरकार ने दिल्ली लाया था जिनमें संभल के भी 4 छात्र शामिल थे। हम तो साहब कहना क्या चाहेंगे, कहना यही है कि ये हमारा बेटा जो फैजान अशरफ है यूक्रेन में था यूनिवर्सिटी में उस ग्रोड में, और वहाँ के हालात ख़राब थे ही तो बेहिसाब परेशानी थी, बेचैनी थी। लेकिन हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ की सरकार को कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कदम उठाकर और हमारे बेटे को और उसके साथ 240 लड़के जो आए हैं फ्लाइट से, एयर से आए हैं, हवाई जहाज़ से, तो सारे लोगों को मतलब दूसरे मुल्कों में पहुंचाया और फिर वहां से यहां हिंदुस्तान पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया, और दिल्ली पहुंचाने के बाद फिर यहां की यूपी की गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ी से हमारे घर तक भिजवाया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब सरकार ने ऐसा कदम, ऐसा सराहनीय कदम है ये कि इस कदम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत अच्छा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये उठाया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब हम यूक्रेन में थे तो वहाँ पर कीव में और खार्किव साइड में ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन जिस साइड हम थे उस रोड में वहाँ तो कुछ सेफ थे हम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया हिंदुस्तान को। पहले हम बसों से, बस द्वारा वहाँ गए, हंगरी बॉर्डर पर गए, हंगरी से वहाँ से हम प्लेन से दिल्ली आए, और इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वहीं मैनपुरी में बेवर पुलिस की मिलीभगत से गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जहां पर एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई, वहीं आग लगने से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं घटना के बाद कार का मालिक और गैस रिफिलिंग करने वाला दुकानदार दोनों मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पौड़ी में जहां एनआईटी उत्तराखंड के अस्थाई परिसर का फर्स्ट फेज का 60% काम पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरह एनआईटी उत्तराखंड के अस्थाई परिसर बनने के एनबीसीसी के साथ एनआईटी उत्तराखंड का एमओयू साइन हो चुका है। एनबीसीसी को एनआईटी की निर्माण एजेंसी बनाया गया है। श्रीनगर के रेशम विभाग में एनआईटी उत्तराखंड के अस्थाई परिसर की बनाई गई बिल्डिंग दिखने लगी है। इनमें एनआईटी के हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक बनकर पूरी तरह से तैयार बताए जा रहे हैं। हॉस्टल का जो है यहाँ जो श्रीनगर में कैंपस में चल रहा है, इसमें फर्स्ट फेज शुरू हुआ है जिसमें 5 बिल्डिंग आ रही हैं।
तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगे और इसमें मेनली हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक ये तैयार होंगे पहले, फिर उसके बाद हम सेकंड फेज़ में जा रहे हैं यहाँ भी, और उसमें क्लासरूम और बाकी एमिनिटीज़ तैयार होंगे। सर क्या 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 अभी तक हो पाया है इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि अभी तक 60-70% तक जो फर्स्ट फेज़ की हॉस्टल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। सर जो स्थायी परिसर बनना है सुमाड़ी में उसको लेके क्या हो रहा है? जो सुमाड़ी में होना है वो उसका जो एजेंसी थी वो आइडेंटिफाई हो गई है, NBCC कंस्ट्रक्शन करेगी और NBCC के साथ NIT उत्तराखंड का MOU हो गया है, उन्होंने जो कंसेप्चुअल ड्राइंग थी वो हमें दे दी हैं, जो मास्टर प्लान है वो फर्स्ट फेज़ का वो हमारे पास है, उसमें 60 एकड़ की लैंड हम इम्प्रूव करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शिवपुरी के जंगलों में ट्रैकिंग करने पहुंचे दो युवक रास्ता भटक गए। दोनों को रास्ता भटकने की जानकारी देने के बाद उनका मोबाइल भी बंद हो गया, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगलों से दोनों युवकों को रेस्क्यू कर सकुशल मुनिकीरेती पहुंचाया। जान बचाने पर युवकों ने उत्तराखंड पुलिस की प्रशंसा की और आभार भी व्यक्त किया। देहरादून रोड पर बंद पड़े एक केरोसिन के गोदाम में रखे कंटेनर में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। दो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग ज्यादा फैली नहीं, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वहीं भारत सरकार लगातार वहां से फंसे भारतीय छात्रों को वापस भारत लाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में यूक्रेन में फंसे ऋषिकेश के दो छात्रों को भारत वापस लाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने आवास विकास स्थित उनके घर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना है। जब भी दोनों बिटिया ये घर पहुंची हैं, मैं इनके घर गया था। मैं अपने अभी जो आवास विकास की रहने वाली है आयुषी राय और जिनके घर हम अभी बैठे हैं निशा ग्रेवाल, दोनों को मिलने आया। दोनों के माँ बाप बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि एक 50 ईयर की है, MBBS 50 ईयर की, ये सेकंड ईयर की छात्रा है वहाँ पर, और बड़ा खुश है। लेकिन थोड़ा सा एक निराशा ये होती है कि उत्तराखंड सरकार ने कल एक गाइडलाइन जारी करी थी, एक बड़ी बात करी थी कि हम जितने भी बच्चे वहाँ से आएंगे या जो भी लोग आएंगे उनको हम फ्री यात्रा और फ्री सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मेरी जब आयुषी की मदर से बात हुई तो आयुषी की मदर ने कहा कि मैं बहुत परेशान रही, मुझको टिकट कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करा और अपने खर्चे पे मुंबई से वो देहरादून तक अपने खर्चे में फ्लाइट आई। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेलियर साबित हुई है। पहले सब कुछ सही था, वैसे यूनिवर्सिटी चरणवृत्ति में अभी भी सब कुछ सही है, बस थोड़ा बहुत अब तो हो रहा ही है, तब तो पैनिक बढ़ रहा है क्योंकि इवानो जो उसके पास वाला शहर है उधर अटैक हो गया, तो उधर भी चांसेस हैं। तो हमारा ऐसा था कि 23 तक सब सही था, 24 को घर वालों के मैसेज आए और अचानक सुबह 4-5 बजे जब सब सोए हुए थे अचानक से मैसेजेस आए कि अटैक स्टार्ट हो गया, तो सब पैनिक हो गए, सब इधर उधर भागने लग गए कि मतलब सब राशन वाशन पानी और दवाइयाँ पैसे सब निकालने चले गए। हमने सब कुछ वो कर लिया, सब पैक करके रख दिया कि अगर कुछ हुआ, लॉकडाउन हो गया, कुछ हो गया तो हम तो खाने को हो। लक्सर के भोगपुर में खनन कारोबारियों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 3 गाड़ियों के शीशे क्षतिग्रस्त किए गए। लक्सर क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन ने लोगों को आफत में डाल रखा है। इससे पहले भी कई अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन लक्सर प्रशासन इन पर नकेल कसने में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। इसी का परिणाम है कि एक बार फिर खनन कारोबारियों के बीच धारदार हथियार, लाठी डंडे और पत्थरों से जमकर मारपिटाई हुई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी ऋषिपाल के द्वारा एक तहरीर यहाँ पर दी गई है, जिसमें उसने वेदपाल और उसके साथियों पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें कुछ की चोट आई हैं और 3 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी हैं। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। हमने एक पट्टा कराया गांव भोगपुर में, ग्राम ये कृष्णा स्टोन ग्रेसर के पास में,
उसमें मैंने ज़मीन मोल ली, किसानों को पैसे दिए, और जब पट्टा कराने में मैंने 50 लाख की संपत्ति अपनी शाहपुर में एक मेरा फ्लोर मिल था वो बेचा, उसके बावजूद मैंने और जगह की भी ज़मीनें बेची, उस ज़मीन को पट्टा चलाने के लिए मैंने इतना पैसा खर्च करा, और उन्होंने आके मेरी गाड़ी भी तोड़ी, मेरे साथ मार पिटाई भी करी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें। और जो वो चीज़ चाह रहे थे, हमने जो उनसे पूछा, उनका कोई मतलब नहीं, वह भोगपुर पंचायत है, भोगपुर में मेरी ज़मीन है, वे धारी वाले के, उनका उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। और यार रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। लक्सर के निहनपुर गांव में मत्स्य पालन के लिए तालाब बनाने का काम किया जा रहा है, जिसका खनन पट्टा सरकार की तरफ से आवंटन किया हुआ है, जिसमें आजकल खनन कार्य चल रहा है। वहीं से रोकने के लिए निहनपुर गांव के दो व्यक्ति नासिर और खुशमुद ने पट्टा धारक को धमकी दी है। दोनों ने पट्टा धारक रुपेंद्र से 10 लाख रुपयों की मांग की है, जिसे परेशान होकर पट्टा धारक ने लक्सर पुलिस को निहनपुर के नासिर और खुशमुद के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लक्सर SSI
मनोज सिरोला ने बताया है कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों को जेल भी भेजा जा रहा है। ऐसे सर, हमारा मैं एक पट्टे का प्रतिनिधि हूँ, गुरुकृपा ट्रेडर्स मेहंदीपुर में चल रहा है। कुछ दिनों से इन लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसको मैं पूरा ना करते हुए ये मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अगर हमारे एरिया में काम करना है तो यहाँ 10 लाख रुपये देना पड़ेगा, तो अवैध शिकायतें कर रहे थे काफ़ी, तो उस वजह मैंने भी यहाँ कंप्लेंट लिखाई दी। और रात को इन्होंने कल शाम को तो बुला के और हमसे मारपीट भी की और मेरे साथी को भी काफ़ी पीटा है। ये निहनपुर में रुपिंदर हैं, ये जो गुरुकृपा ट्रेडर्स वाले, ये इनके नाम पे एक पट्टा था सरकारी, इसमें खनन का काम करते थे। तो इसमें कुछ गांव के दो हैं, नासिर और कुसनूद, इन्होंने इन्हें धमकी अमकी दी, इनके साथ मारपीट की और पैसे की डिमांड की थी। इसके संबंध में उनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया है और जिसमें आज दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र घर आने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का इंतजार करते हुए बंकरों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। इस दुख की घड़ी में क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन अमन राय के परिवार का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा है कि भारत के कई स्थानों से पढ़ाई करने के लिए छात्र यूक्रेन गए हैं, जहां आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें हमारे देश के बच्चे फंस गए हैं। भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द सभी बच्चों को देश में लाया जाए। लड़का तो 2019 में गया था MBBS के लिए, वो खरकी नेशनल इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो तीसरा ईयर है और युद्ध छिड़ गया वहाँ पे। और वो जिस खरकी सिटी में है वहाँ भयमारी स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है। वो रात को तो बंकर में बिताते हैं, दिन में थोड़ा बहुत जो खाना वाना इधर उधर से लेके आके खा के फिर बंकर में जाते हैं। स्थिति इतना भयंकर है कि वहाँ का जो एम्बेसी वगैरह वो उसको संज्ञान भी कम ले रहे हैं ना, वहाँ के जो 4-5 हज़ार बच्चे और भी है उनको भी कोई सूचना ना कुछ देता ना उसके पास कोई आता है ना कोई वो करता है। दीपंकर राय जी का जो बेटा है वो हमारे क्षेत्र का बेटा है, हमारा भी बेटा है, बाकी हमारे आपको बता दूं कि मेरे क्लास फ्रेंड भी है, हम लोग एक साथ पढ़ते थे और बेटा वहाँ गया है, तो सबको लिए वो आदरणीय है, प्यारा है। आज उसके परेशानी से हम लोग सब लोग दुखी भी हैं और पूरा इलाका कहीं ना कहीं चिंतित है। और युद्ध में जो अचानक जो युद्ध शुरू है उससे एक भयावह स्थिति पैदा हुआ है और सब बच्चे घर आना चाहता है, तो इस समय भारत सरकार को अभी कल कुछ एक 250 बच्चे शायद कल आए हैं। पौड़ी में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 4 आउटसोर्स कर्मियों को काम से हटा दिया है, जिससे कर्मियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कर्मियों का यह भी आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से फिर से बहाली की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत ने कहा है कि चारों को आउटसोर्स कंपनियों को वापस भेजा गया है, कॉलेज में आवश्यकता अनुसार आउटसोर्स कर्मियों को बुलाया जाता है। हमें नहीं पता किस कारण हमें हटाया गया है, हमें ना ही लेटर पढ़ने के लिए दिया गया है, हमें कहा गया है कि ये गोपनीय लेटर है, ये हम आपको पढ़ने के लिए नहीं दे सकते हैं, और हमें कुछ भी पता नहीं है किस कारण हमें हटाया गया है। मैं इस मेडिकल कॉलेज में कोविड काल में मैं लगा हुआ था और जब से हमारी कोविड काल में नियुक्ति हुई है तब से यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो चुकी थी। इससे पहले मृत्यु दर में और उसके जब से हमें लगाया गया कोविड में नियुक्ति की गई उसके बाद की मृत्यु दर में अंतर देख लीजिए, क्योंकि हमारे लगने के बाद हमने यहाँ पे मरीज की सेवा की है, जितने भी यहाँ पे कोविड काल में आए हुए लोग थे उनकी हमने अच्छी तरह से देख रेख की है और उस दिन से मृत्यु दर घटी है। उसके बाद बीच में ये थोड़ा दल बदल का सिस्टम शुरू हो गया कि कांग्रेस चुनाव सामने आ गए हैं और मेरा इस समय मेरा अपना मन था कि मैं व्यक्तिगत गणेश गुजराल जी या कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, वोट दूंगा मैं। जब प्रशासन तो हम सबसे पहले इसकी मांग करते हैं कि हमें किस कारण से हटाया गया, ना हमें कोई नोटिस मिला,
ना हमें कुछ मिला, ना हम पे कारण दिया गया। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमें किस कारण से हटाया गया, और हमें HOD द्वारा सिर्फ ये बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल साहब ने इस कार्यालय इस संस्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2022 तक था, जो कि अभी कुछ समय पहले रिन्यू हुआ है हमारे चिकित्सा सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा। लक्सर SDM वैभव गुप्ता ने ब्लॉक कमांडर विकासखंड खानपुर मदन पाल सिंह को प्रशस्ति पत्र दिया। मदन पाल सिंह ने बताया कि ये प्रशस्ति पत्र उनको विभाग में सभी कामों को तेजी से करते हुए ड्यूटी के प्रति अपना शत प्रतिशत योगदान देने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। प्रशस्ति पत्र मिला है इनके पूरे साल के लिए, इनका कार्य जो है बहुत ही शेष रहा है, और ये एक अपने आप में बाकी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। मेरा यही सभी जो PRD के हमारे जो है कार्मिक है उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो सभी इनसे प्रेरणा ले और आगे अपना शत प्रतिशत देते रहें। PRD का जो एक जो हमारा जो सर्विस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि पब्लिक में जो भी काम होते हैं हमारे PRD के और होमगार्ड के माध्यम से ही होते हैं, तो इन सभी को भी इसी प्रकार से डिसिप्लिन रहेंगे तो ये सभी आप भविष्य में इसी प्रकार के प्रतिशत पत्र हासिल करेंगे। आपकी चैनल को अपने उच्च अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देनी चाहता हूँ कि मुझे इस जिम्मेदारी जो मिली है काम के लिए विभाग के जो जिम्मेदारी अधिकारियों ने दी थी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपने काम में रात दिन और मेहनत से कार्य किए हैं। जैसे कि हमारे PRD जवानों की छुट्टी के संबंध में समय से इनकी तनख्वाह बनानी, दूसरी बात हमारी जो है ये युवक मंगल दल महिला मंगल दल इनके फार्म भरने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों के लिए कुछ धनराशि इनके अकाउंट में देनी थी, उसके लिए अकाउंट खुलवाने थे, वो मैंने समय से पहले ही जैसे आदेश मिला मैंने तुरंत एकदम से उसका मैंने अपने अधिकारियों का आदेश प्राप्त होते ही मैंने तुरंत कार्रवाई की। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बसेड़ी खादर गांव से लक्सर चिकित्सा अधिकारी को सूचना मिली कि गांव के एक परिवार में बच्चों की मौत हुई है और उसी परिवार के और भी बच्चे बीमारी से ग्रस्त हैं। वहीं सूचना पाते ही तुरंत लक्सर CSC डॉक्टर अनिल वर्मा और बाल रोग विशेषज्ञ बीमारी से ग्रस्त परिवार की जाँच करने गाँव पहुंचे और बीमारी से ग्रस्त बच्चों की जाँच की। जानकारी देते हुए लक्सर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया है कि जो एक ही गोत्र में है और अपने रिलेशन में शादी कर लेते हैं तो उनके बच्चों में ये बीमारी जेनेटिक है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये मीडिया के द्वारा ही पता लगा था कि बसेड़ी गांव में एक मुस्लिम परिवार है और वो उनके कुछ बच्चों की रहस्य में मौत हुई, तो मैं और बाल रोग विशेषज्ञ हम दोनों ने जाकर के उस परिवार के पास मिले। हमने उनको बताया कि भाई पूरी हिस्ट्री ली तो उनके बच्चों में एक तरह से ही जेनेटिक है बीमारी, जो एक ही गोत्र में और जो अपने रिलेशन में शादी कर लेते हैं उन लोगों में ही पति हुआ। और एम्स के लिए हम लोगों ने पेपर देखे, एम्स और जोलीग्रांट उन्होंने भी इसको लिखा, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है उसके लिए एक्सरसाइज उन्होंने बताई और भाई उनको इंजेक्शन जिंक विंक और कैल्शियम की चीज़ें बताने के लिए खाई ताकि और बच्चे उन्हें सुरक्षित रहें। जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी की तरफ से पौड़ी में अपना कार्यकाल संभाला गया है तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उनका कहना है कि अपर मुख्य अधिकारी की तरफ से प्रशासनिक और विकास के कार्यों के संबंध में ना तो उन्हें सलाह ली जाती है और ना ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है, जिसके कारण विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।